से खुशी चाहिए, हम लोग घर जाना चाहता है। कितना परेशान थी घर में, कितना दिन रहेगा? मेरी ग्रैंड मदर वहाँ पे रह गई है सर। अभी भी वही है? अभी भी वही पे है। ठीक है, ग्रैंड मदर ठीक है? आपकी ग्रैंड मदर अभी है ठीक है कि अब कैसे पता नहीं सर, कि वो भी कोई कॉन्टेक्ट हो रहा है तो वो आ भी नहीं पा रहे ना, हम उनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे। आज भी घर चला है हमारे वहाँ पे, आज भी आज सुबह भी हुआ है वहाँ पे। तो आपका मेन बात है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए और आप वापस जाना चाहते हैं? घर जाना चाहते हैं हम लोग, घर में रहना चाहते हैं, अपने घर में रहना है। ये लड़ाई शुरू क्यों हुई? मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब हुआ। हिंसा से किसी को फायदा हो रहा है? नहीं सर। मम्मी पापा हुई मणिपुर की मम्मी पापा हुई मिस्टर राजू पापा। Our party can also try and help you a little bit. Even pregnant women are here, children, elderly people, they need help. Two people are in the hospital, they are telling. Moses said, whether it ends, this war ends early or not, is in the hands of the government. Yeah, I think that is true. Because if the government wants to end it can end it very quickly. So she's saying, my husband is suffered from BP stroke. And my son was killed in the conflict. And my son is just a student. He's a BA student. And he was killed. And he's innocent. The first time that they're going through a conflict, or has this happened before with them? This is our third time experiencing a conflict. What can I do for them? I would like to request you, sir, please. Thank them for my sake. Taki pa e ati cho. Na bon cha ni nga ji ung taki pa e. Thank you Dito. Okay. You want to give this to me? Don't worry, come on. Don't worry. Everything will be okay. Don't cry. मोदी जी तो एक बार भी नहीं आता है, क्या करेगा? हम लोग बहुत दुख में रहता है, अभी एक साल से गुजारा हो गया। आया यहाँ हमारे सुख दुख में बांटने के लिए, आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको आज एक वादा भी करना है हम लोगों के लिए, हमारे लिए लड़ना है, आपको हमारे लिए लड़ेंगे ना सर आप? हमने आपकी बात, सबसे पहले हम यहाँ आए, हमने आपकी बात उठाई, एक बार नहीं दो तीन बार हमने पार्लियामेंट में बोला, इन्होंने बोला, सब MPs ने बोला, कांग्रेस पार्टी के हम सारे के सारे नेताओं ने पार्लियामेंट में मणिपुर की बात उठाई, और हम दबाव डाल सकते हैं और हम पूरा दबाव डालेंगे। 5 दिन सोया है घर में, अपना घर। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं रेस कर सकता हूँ, मैं दबाव डाल सकता हूँ, मगर मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि कब आप वापस जाएंगी, क्योंकि ये सवाल सरकार से है। अगले सेशन में आप देखना, मैं आपकी आवाज उठाऊंगा, ठीक है? थैंक यू। यह स्वराज जन सेवा का चैनल है, इसे बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें।